हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे शेयर करूंगी कि हम ये ओनियन पील का फर्टिलाइज़र आसानी से कैसे बना सकते हैं। उसके लिए मैंने ये कुछ प्याज के छिलके लिए हैं फ्रेंड्स। ये प्याज के छिलकों में कॉपर, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें और भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनको बढ़ने के लिए, उनकी पत्तियों के लिए, उनके फ्लावर के लिए। ये सारी चीज़ें ये प्याज के छिलकों में पाई जाती हैं। और दूसरे फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स हम हमारे प्लांट्स में गर्मियों के टाइम पर या फिर ज़्यादा सर्दी के टाइम पर नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, तो वो हमारे प्लांट्स को नुकसान करते हैं। पर ये वाला फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स हम हमारे प्लांट्स में 12 महीने दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये मैंने कुछ प्याज के छिलके ले लिए हैं। मैं इसमें ये पानी डालकर फ्रेंड्स इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी एक दिन के लिए। देखिए, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने कल बनाया था। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। इसको मिलाकर अच्छे से मैं इसको छान लूँगी। इसको मैंने छान लिया फ्रेंड्स। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी, इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट कर दूंगी फ्रेंड्स। इसको आप अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यही फ़ायदा है कि अभी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए तो ये हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा थोड़ा अपने सारे प्लांट्स में इसको दे दूँगी। थोड़ा थोड़ा ही देना है। आप इसको अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।